नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाओं के लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया है। साथ ही साथ इस नोटिस में एक बार फिर यह कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल महीने में ही परीक्षाएँ होनी है। ठीक है, आइए नोटिस को पढ़ लेते हैं। परीक्षा नियंत्रक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से ये लेटर जारी किया गया है। सूचना दिनांक 23/3/2024 की सूचना है, आइए पढ़ लेते हैं। माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की सेमेस्टर प्रणाली 2023-24 के अंतर्गत कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कृषि संकाय, विधि संकाय, शिक्षा संकाय के स्नातक एवं परास्नातक दोनों की बात हो रही है तथा डिप्लोमा सहित समस्त प्रोग्राम के सम सेमेस्टर की संस्थागत बैक पेपर के अर्ह छात्रों की परीक्षाएं अप्रैल माह में प्रस्तावित हैं। ठीक है, यहाँ बात आ गई कि अप्रैल महीने में ही परीक्षा अभी प्रस्तावित है, जल्दी ही टाइम टेबल भी आ जाएगा, तब कन्फर्म हो जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में वैकल्पिक एवं माइनर प्रश्न पत्रों का चयन करते हुए परीक्षा फॉर्म पूरित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पोर्टल दिनांक 24/3/2024 से 2/4/2024 तक खोला जा रहा है। यानी 24 तारीख से आपके परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे आपको परीक्षा फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों यानी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एवं संबंधित महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा फॉर्म में माइनर एवं वैकल्पिक प्रश्न पत्रों का चयन समयांतर्गत पूरित करना सुनिश्चित करें, यानी समय से इसे पूरा करें, ऐसा कहा गया है। विश्वविद्यालय परिसर हेतु वैकल्पिक एवं माइनर प्रश्न पत्रों का चयन छात्रों को स्वयं करना होगा। यानी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, DDU की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे और उसमें जितने भी माइनर पेपर वगैरह को सेलेक्ट करना है ऑनलाइन ही उनको सेलेक्ट करके जमा कर देना है तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के अर्ह छात्रों को संबंधित महाविद्यालयों के लॉगिन पासवर्ड से पूरित किया जाएगा। यानी महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो अपना फॉर्म महाविद्यालय में जमा करेंगे और महाविद्यालय के जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो महाविद्यालय के लॉगिन पासवर्ड को यूज करते हुए आपके फॉर्म को अपलोड करेंगे। तो महाविद्यालय के छात्रों को महाविद्यालय में अपना फॉर्म देना है ताकि वहाँ के कर्मचारी समय से फॉर्म को यूनिवर्सिटी तक पहुँचा पाएँ। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो स्वयं अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या किसी भी साइबर कैफे में जाकर अपने एग्ज़ाम फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो कल से ये चालू हो रहा है, 2 तारीख तक चलेगा। अब एक समस्या ये है कि छुट्टियों के दौरान इसे चालू किया गया है पोर्टल को, तो महाविद्यालय खुलने के बाद ही फॉर्म वगैरह जमा हो पाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन पोर्टल इसीलिए छुट्टियों में खोला गया है कि कम से कम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन घर से बैठ कर फॉर्म भरना है वो अपना फॉर्म भर पाएँ। और बाकी परीक्षाएं अप्रैल माह में प्रस्तावित है, यहाँ पे पहली बार लिखित रूप से आया है यूनिवर्सिटी की ओर से। अभी तक जो भी खबरें थीं न्यूज़पेपर में थीं और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से खबरें फैली हुई थीं, लेकिन ऑफिशियली पहली बार यहाँ पे आया है कि अप्रैल माह में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो ये बात आपकी अब 99.99% कन्फर्म हो गई है कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम चालू हो जाना है। इस हिसाब से तैयारी करना चालू कर दीजिए, बहुत होगा तो 10-5 दिन आगे पीछे होगा, 9 तारीख की जगह 15 तारीख से हो सकता है, 20 तारीख से हो सकता है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आना है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी 20 मई तक एग्ज़ाम ख़त्म कराने का एक डेडलाइन है। तो आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, मैं आपकी जहाँ तक होगी तैयारी में हेल्प करूँगा, कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी। और बाकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी सूचनाएँ हैं वो आपको रेगुलर तौर पर मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज आपको मिलती रहें। धन्यवाद।